बन्दे वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्नितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नितानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्देराधिकाः चरुणद्वयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनो वाञ्छा कल्पतरु अश किन्धुव्यवच पतिदानं पापुनिभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घरितगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेव्यै पिया वै केशवस्य च देवी सत्त्ववत्त्वै नमो नमः

ध्येयं सदा परिभवङ्गमविष्टदूहं तेथास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरण्यं भीतातिहं वनुतपालभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि उपवदुष्व पूर्णानुराग्र सगर सारूर्ति सारा अधिका मि कृपा कृष्ण चैतन्य प्रभुने नंद सीअत गदाधर शिवसदी गौरभक्तिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनेंदअद्वैतगदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে আজানু লবিত ভুজৌ কনক বতো সংকীর্ন কবিতর কমলা विषाम् वरु द्विज वरु युगधर्मपालु वन्दे जगत्प्रिय करु करुणा उत हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे नमामि गङ्गे तव पादुपङ्कजं सुरासुरैर्बन्दितो दिव्यरूपं <coughs> मुक्तिञ्च मुक्तिञ्च तदासि नि भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटा गौरी ही निरंतर अभिगुष्ठी हितवाम भागम नारायनों प्रिय मनंग मधापुहारम बरानसी पुरपति भजवी ही शनाथम वागी सजुष्ट बदने लक्ष्मी रिजस्सचा यस्यास्ते हिदेसंभी ही त्वं निसिंहमहं भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे नैवात्मनो प्रभुरयं निजलाभपूर्णः नैवात्मनो प्रभुरयं निजलाभपूर्ण मानं जनादविदुषो करुणो प्रणीते यज्जनो भगवते विदधी त्वमानं तच्छात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखस्य

परमांशु जगत गुरु जी ने बताए इस जगत में हर व्यक्ति दूसरे को अपना काबू में रखने का कोशिश करता है ये ये जड़ जगत का जनरल फेनोमेना या हर आदमी दूसरे को अपना काबू में रखने का कोशिश करता है दबा के रखना है इस जगत का ये इतिहास है लेकिन भक्तों लोग जो है भक्तों लोग कभी किसी को अपना बश में रखने का कोशिश नहीं करते गौरी गोष्ठीपोति भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुँगा जगत जी गुरु जी ने बताए जगत जगत को अपना बस में रखने का जो कोशिश है तमाम जगत को कंट्रोलिंग करने का जो एक विचार है इस दर्शन लेकर जो हमारा जगत दर्शन है ये हमारा लिए फांसी का फंदा बन जाएगा पोपा जी ने बताएं, ये जगत को अपना कंट्रोलिंग में अपना बस में रखने का विचार रखते हुए जो जगत दस जो जगत दर्शन है इस तरह का जगत दर्शन के द्वारा इस तरह का जगत दर्शन के द्वारा हमारा जिंदगी में फांसी का फंदा बन जाएगा सबसे बड़ा बंधन का कारण है बदो जीवों का यह स्वभाव है बदो जीवों का यह स्वभाव है, बदो ये है।, बदो ये है। बदो जीव लाभ पूजा प्रतिष्ठा के अलावा चल नहीं सकता बद्धजीवों का ये स्वभाव है नेचुरल जीव कभी लाभ पूजा प्रतिष्ठा छोड़कर कुछ करना नहीं चाहता भक्ति तो दूर की बात है हिरण्य जगत का ऊपर प्रभुत्व करने का विचार लेकर प्रहलाद महाराज जी को भी अपना बस में रखने का कोशिश किया लेकिन प्रहलाद महाराज कभी किसी को बस में रखने का कोशिश नहीं किया क्योंकि भक्तों लोगों का विचार ये है ये कभी जगत का ऊपर कंट्रोलिंग नहीं करना चाहता है भक्तों लोगों का विचार है We like to be controlled by Guru Vishnu Bhagwan. किसी को कंट्रोल करना मेरा काम नहीं है We want to be controlled by Guru Vishnu Bhagwan. इसका नाम है भक्ति Guru Vishnu Bhagwan के द्वारा हमारा तमाम क्रिया कर्म, उठना बैठना चलना देखना, खाना सोचना इसी विचार के ऊपर आधारित अगर हो तो कहना क्या है इसी विचार के ऊपर अगर आधारित हो जब मेरा उठना बैठना चलना खाना जो कुछ भी है मेरा सारे क्रियाक्रम जो है गुरु वैष्णव के द्वारा नियंत्रित हो जाए इसका मतलब है भक्ति इसका नाम है भक्ति दूसरे को काबू में रखने का जो विचार है एक कभी भक्ति नहीं है ये हिरण्य का विचार है प्रहलाद महाराज का विचार नहीं है हिरण्य का सबसे बड़ा गलती है हिरण्य का सबसे बड़ा गलती है वो दुनिया का तमाम वस्तु व्यक्ति को अपना भोग की समान माना हिरण्यकशिबु का विचार है दुनिया में जितना सारे वस्तु है जितना सारे व्यक्ति हैं, सब हिरण्य सोचा कि मेरा भोग की समान है सब मेरा एंजॉयमेंट का वस्तु है और भक्तों का विचार है जगत में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है जो कुछ भी चीज़ है तमाम भगवान का सेवा का वस्तु है ये मेरा एन्जॉयमेंट का समान नहीं है ये दोनों में फर्क है विचार प्रल्हाद महाराज बच्चा है हिरण न सोच रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है तो मेरा बात मानेगा हिरण्य के सोच रहा है कि ये तो मेरा बच्चा है हर हालत में मेरा बात मानेगा क्यों नहीं मानेगा ये तो लड़का है मेरा लड़का है मेरा तो मेरा बात मानेगा हर जगत का जितना सारे पिता माता है सबका यही विचार है मेरा लड़का मेरा बस में रहे मेरा बात माने मेरा इच्छा का अनुसार चले मतलब लड़का का ऊपर प्रभुत्व लड़का का ऊपर प्रभुत्व विस्तार करने का एक विचार हर पिता माता का अंदर रहता ही है ये स्वाभाविक है हाँ स्वाभाविक रूप में रहता ही है ये विचार हिरण्य गुसीबू भूल गया हिरन न, न का हृदय में ये विचार नहीं बनता ये पाँच साल का लड़का मेरा ये पाँच साल का जो लड़का है ये गुरु है ये जो पाँच साल का लड़का है हाँ हो सके कि पाँच साल का लड़का है लेकिन पाँच साल का लड़का होने के बावजूद ये मेरा गुरु है ये हिरण्य गुसिबू नहीं सोचा हिरण्य का दिल में हृदय में ये विचार नहीं बनता है कि ये भागवत तत्व तो विज्ञान जानता है प्रहलाद महाराज तो ये गुरु है उम्र ज्यादा है तो सीनियोरिटी मस्ट बी गिव इन प्रायोरिटी ये विचार भक्ति जगत में नहीं चलता है भक्ति जगत का ये विचार नहीं है कि सीनियोरिटी मस्ट बी गिव इन प्रायोरिटी ये सीनियर है तो इसको ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए इसको अग्राधिकार मिलना चाहिए ऐसा विचार नहीं ऐसा अगर होता तो सुखदेव गोस्वामी को इतना सम्मान नहीं मिला होता सुखदेव गोस्वामी को कितना सम्मान मिला यहाँ तक कि बैसदेव गोस्वामी जो है बैसदेव गोस्वामी बैस, बैस धोमो पराशर नारद जी लेकर सब तमाम ऋषि समाज सुखदेव गोस्वामी को सम्मान दिया सुखदेव गोस्वामी 16 साल का उम्र है फिर भी इतना सारे भरतराज वैशिष्टों से लेकर नारद जी महाराज पराशर धूम्मो बैजदेव तमाम ऋषि मनी उपस्थित होने का बावजूद सुखदेव गोस्वामी सुख ताल क्षेत्र में पहुँचने का साथ साथ तमाम ये ऋषि मुनि सब खड़ा होकर इनके सम्मान किया अलक्ष लिंगो लिजनाव निजलाभ तुष्ट ब्रीतश्च बाल अवधुत बच्चा लोग घेर के रखा है थोड़ा मजाक कर रहा है नंगा बाबा आए हो नंगा बाबा आए हो मजा कर रहा है किसी बच्चा ने इसको ऊपर ढील भी लगा रहे हैं धूला दे रहे हैं किसी को समझ में नहीं है कि ये जो आ रहा है ये परमंश श्रेष्ठ सुखदेव ऐसा कोई किसी को मालूम नहीं लेकिन ऋषि मुनि सब खड़ा होके इनको सम्मान दिया इतना स्वागत किया किस लिए क्योंकि उम्र का ऊपर सब कुछ नहीं है सुखदेव गोस्वामी भागवत तत्व बेत्वा महापुरुष है इतना ही नहीं शुक नामकर पक्षी का रूप में वृंदावन में राधा गोविंद जी का लीला में ये सुखदेव गोस्वामी जी का योगदान है मतलब गुप्तातिगुप्तो जितना सारे गोपनीय रहस्य है राधा गोविंद लीला का भगवान का रहस्य का लीला विलास का सुखदेव गोस्वामी को मालूम है इसीलिए सुखदेव गोस्वामी को किसी ने बच्चा नहीं सुखदेव गोस्वामी को किसी ने बच्चा नहीं समझा सुखदेव गोस्वामी को गुरु समझा इसीलिए खड़ा होकर स्वागत किया लेकिन हिरण्यकशिबू का विचार अलग है वो दुनिया को काबू में रखना चाहता है यहाँ तक कि स्वर्ग का देवता लोग ऋषि मुनि सब हमारा बात माने हमारा कहने पर चले सबसे बड़ा बंधन की कारण है सबसे बड़ा बंधन की कारण है ये दुनिया का ऊपर आधिपत्य विस्तार करने का दुनिया का ऊपर आधिपत्य विस्तार करने का दृष्टि दर्शन लेकर दुनिया को दर्शन करो तो ये सबसे बड़ा फांसी का फादा फंदा बन जाता है हिरण्यकशिबु को मालूम नहीं है हिरण्य शब्दों का एनालिटिकल व्याख्या किया जाए तो उसका माने क्या होता है हिरण्य ये शब्दों का अगर एनालिटिकल व्याख्या किया जाए तो क्या माने बैठता है हिरण्य मतलब है सोने चांदी हीरा जवरत मतलब कामी कांचन जितना सारे दौलत है पैसा दौलत है सारे ये है हिरण्य और कशिपू का डायरेक्ट मीनिंग है कशिपू ये शब्दों का डायरेक्ट मीनिंग है विस्तारा बेड विस्तारा तो माने क्या हुआ महाराज कनक कनक का मतलब पैसा सोना चांदी पैसा हीरा जबरत जितना सारे अप्लुएंस हैं वैशर जो है और इसका साथ बेड विस्तारा कशिपु मतलब विस्तारा विस्तारा का मतलब है कामिनी कहने का मतलब है कामिनी कांचन का टोटल एम्बॉडीमेंट कामिनी कांचन का लाभ पूजा प्रतिष्ठा कामिनी कांचन का कंप्लीट एम्बॉडीमेंट है ये हिरण्यकशिपु इतना खतरनाक है अब मत पूछो इतना खतरनाक है कि मत पूछो हर कोई का हृदय में विशुद्ध भक्तो प्रमंख से वैष्णव लोग छोड़कर जो लोग पहुंचा हुआ वैष्णव है ये गुरु वैष्णव को छोड़कर बाकी तमाम दुनिया का जितना सारे आदमी हैं यहाँ तक कि शोकर्ड भक्त है तथाकथित जो भक्त है सब कोई का जिंदगी में छानबीन करके विचार करके देखे तो दे हृदय में एक हिरण्य बैठा हुआ है हर कोई का हृदय में एक हिरण्य बैठा हुआ है और हिरण्य बैठा हुआ है इसीलिए तमाम दुनिया लाभ पूजा प्रतिष्ठा का पीछे भाग रहा है अगर ये रियलाइजेशन अगर ये रियलाइजेशन अगर हृदय में आ जाता कि दुनिया का कोई भी वस्तु नित्य नहीं है ऑल टेम्पोरिरी जगत का ये जगत का कोई वस्तु परमानेंट नहीं है ये जगत का तमाम वस्तु जो है तमाम वस्तु जो दिखाई पड़े ना दिखाई पड़े आमने सामने हैं कि नज़र नज़र की बाहर है कुछ भी वस्तु कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु जो कोई है ये दुनिया ये दुनिया का महफिल ये दुनिया ये दुनिया का महफिल ये कुछ नहीं है कुछ नहीं रखा है ये सारे दो दिन का है दो पल का है ये सारे टेम्पोरे है प्रोपा जी कह रहे हैं दुनिया का सामान वस्तु जो है ये टेम्पोरे है ये नित्य तो नहीं है धोखा देने वाला है आज है काल छूट जाएगा आज है काल छूट जाएगा नहीं रहेगा तुमको रुला के तुमको रुला के तुमको रास्ता में छोड़कर तुमको भिखारी बनाकर छोड़ देगा माया देवी का ये चक्कर है किसी भी हालत से छुटकारा नहीं है गौरी वैष्णव समाज में निशिंगो पूजा का क्या विशेष जरूरी है क्या विशेष जरूरी है क्या विशेष जरूरी है क्या क्योंकि विष्णु समय समाज में निशिंगों का आराधना है जब भी हमारा गौरी वैष्णव समाज में पंचतत्व गौरांग महाप्र का अनुगत्व में राधा गोविंद बहुत सारे आदमी ऐसा भी प्रश्न करता है महाराज हर मंदिर में जाओ क्यों गौरंग महाप्रभु का साथ राधा गोविंद है क्या कारण है ये क्या जरूरी है गौरंग महाप्र रहे हमला हाँ जरूरी है क्योंकि हमारा गौरी भजन गौरांग महापुर का अनुगत्व में है गौरंग महाप्रभ का अनुगत्व में राधा गोविंद का भजन डायरेक्टली नहीं है हमारा गौरी भजन का सीकृसी है गोपनीय तत्व है कि हम राधा गोविंद जी का जरूर भजन करें लेकिन गौरंग महापुभ का अनुगत्व में गौरंग महाप्रभु का अनुगत्व छोड़कर राधा गोविंद जी का जो प्राप्ति है भजन का जो सिद्धि है ये कंप्लीट नहीं होगी गौरंग महाप्रभु को छोड़कर गौरी भजन गौरंग महाप्रभु को छोड़कर राधा गोविंद का जो भजन का जो विचार है ये कंप्लीट नहीं हो सकता ये कंप्लीट नहीं है गौरंग महापू का अनुगत्व में भजन करते हुए अगर श्री श्री राधा गोविंद जी का महिमा को पता चले भजन करते करते नित्योल में प्रविष्ट हो जाए तो ये अच्छा है क्योंकि इसने इससे क्या हो इसने इससे कृष्ण प्राप्ति कंप्लीट यशोदा मैया का अनुगतव में कृष्ण प्राप्ति हाँ ठीक है इट इज़ आल्सो कंप्लीट नंद बाबा का अनुगत्य में करे ठीक है कंप्लीट ब्रजवासी का ब्रज बालक का में करे ठीक है ये भी ठीक है लेकिन अगर राधा गोविंद जी का गुप्ताति गुप्तो अत्यंत सिक्रेट इतना गहरा विचार माधुर्य रस का मंजरी भाव का सखी भाव का अनुगौतम्य में जो गौरंग महापूज्य ने दिखाया गौरंग महापूज्य ने कभी राधा रानी का स्वरूप दिखाया कभी 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 मंजरी स्वरूप दिखाया कभी कभी राधा स्वरूप दिखाए दिखाए महाप्रभु कभी कभी मंजरी स्वरूप दिखाए कभी कभी सखी स्वरूप दिखाए चैतन्य चरित्र में हर तरह का विचार है मंजरी भजन का जो गुप्त रहस्य है ये गोरंग मापू छोड़कर किसी को किसी को पता होगा संभव नहीं है गोरंग मापू का में राधा गोविंद जी का जो प्राप्ति है ये सबसे बड़ा अनोखा प्राप्ति है सबसे बड़ा महाभाव का स्वरूप पता चले बहुत गहरा विचार है लेकिन फिर भी विचार ये हैं गौरी वैष्णव समाज में निशिंगो देव का पूजा का विधान है क्यों है क्या कारण है निशिंगो देव का पूजा का विधान किस लिए है क्योंकि जगत का आम आदमी का विचार है निशिंगो देव का पूजा करे निशिंगो देव को परमाणु भोग चढ़ाए माला चढ़ाए लेकिन निशिंगो देव का साथ सोरा बिजनेस कर ले निशिंगदेव आपको याद है ना कुरी केजी का परमान्व भोग लगाया था याद नहीं है आपको तो आज मेरा मुसीबत आया है आप मेरे को देखो हमने भोग लगाया था बीस के जी का भोग लगाया था आज मेरा मुसीबत आया आप मेरे को बचाओ पापा जी ने बताया ये विचार लेके निशिंगदेव पूजा हमारा गौरी समाज में नहीं है हम लोग निशिंगदेव का पूजा कोई बिजनेस मोटिव लेकर नहीं कर रहा है कि निशिंगदेव हमें एक बड़ा सा एक लॉकेट यहाँ लटका दो निशिंगदेव का कवच का असिंगदेव मेरा नौकर है सर्वेंट है निशिंगदेव मेरा मेरे को बचाते रहे हम कुछ भी करते चले हम कुछ भी करें अपना मनमानी हम कुछ भी करें अपना मनमानी निशिंगदेव है मेरे को बचाए निशिंगदेव मेरा सर्वेंट है चाहे नौकर है ऐसा विचार गौरीब समाज में नहीं है ऐसा विचार लेके निसिंहदेव का पूजा करने जाओ तो ये फजूल है बेकार है ऐसा विचार ले निशिंग चतुर्थी पालन मत करो ऐसा जरूरी नहीं है गुरुजी अक्सर बोलते थे निशिंगदेव का पूजा करने का मतलब है जीवों का अंदर में जितना सारे अनर्थ है अन्नाभिलास है जितना सारे मुसीबतें हैं ये जीवों का हिम्मत नहीं है जीव आप अपना प्रयास प्रचेष्टा के द्वारा बद जीव अपना प्रयास प्रचेष्टा के द्वारा अपना दिल में छुपा हुआ जितना सारे गंदगी है इसको भगा नहीं सकता संभव नहीं है बद जीव आउट ऑफ देयर ओन एफर्ट एफर्ट कैन नॉट क्लियर और जितना सारे गंदगी है ये क्लियर नहीं कर सकता रास्ता एक है ये है गुरु वैष्णव का सेवा करना लेकिन गुरु वैष्णव का जो स्वरूप है ये समझना भी बहुत मुश्किल है गुरु वैष्णव का स्वरूप को समझे नहीं तो कैसे सेवा करें जिस वस्तु का स्वरूप जिस वस्तु का स्वरूप मेरा समझ में नहीं है मेरा समझ की बाहर है जिस वस्तु का जिस आराध्य वस्तु का स्वरूप मेरा समझ की बाहर है सोच की बाहर है इस वस्तु का सेवा कैसे करें जो समझ में नहीं आता वाट आई कैनॉट सी वाट आई कैनॉट फील वाट आई कैनॉट अंडरस्टैंड इसी एक वस्तु को हम कैसे आराधना करें यह तो संभव नहीं है आराध्य वस्तु का आराध्य वस्तु का स्वरूप को पता चले तो आराधना हो सकता है आराध्य स्वरूप का आराध्य वस्तु का स्वरूप का पता चले तो हमको भजन क्या है ये अपने आप मालूम हो जाएगा आराध्य वस्तु का साथ मेरा संबंध तैयार हो जाए क्या संबंध है आराध्य वस्तु का साथ आराध्य भगवान का साथ आराध्य गुरु वैष्णव का साथ धाम का साथ नाम का साथ कोई अगर सम्बंध जोड़ लिया गुरु वैष्णव का किफा से तो भजन बन सकता है कोई संबंध नहीं जोड़ा है कोई कुछ पता नहीं क्या है गले में लटका लिया कंटी हार हाथों में एक माला का झोली ले लिया बिग बैड हैं ले लिया और चलते चलते फिरते हरिनाम करते रहे दिखावा लोगों को भुलाने के लिए 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 चलो राम नाम कर ले थोड़ा लोग सोचेगा कि मैं भक्त हूँ और हमारा पूजा भी करेगा विश्वास भी करेगा और मैं ये विश्वास का आंड्यू एडवांटेज लेकर अपना ये जो विश्वास है मेरे ऊपर दुनिया का आदमी का ये विश्वास का आनड्यू एडवांटेज लेकर मैं अपना जो दिल का ख्वाहिश है बासना कामना वासना इसको पूरा करेंगे ऐसा करके अगर भजन करें तो इसका लिए निंगोदेव पूजा कोई जरूरी है नहीं गौड़ीय समाज में निसिंहदेव का पूजा का ये स्पेशलिटी है यह निसिंहदेव पर पल पल में गुरुजी बोलते थे गुरुजी बार बार बोलते थे जीव हरे कृष्ण महामंत्र तो करे लेकिन हरे कृष्ण महामंत्रो ये तो करते रहे लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र क्या है ये जो वास्तविक रूप से प्रकट नहीं होगी महामंत्र इसलिए गुरु जी कहते थे हर भगत जय गुरुदेव जय प्रभुपाद जय निशिंगदेव ऐसा बोलना ऐसा बोलने से क्या होगा निशिंगदेव का अटेंशन हमारे ऊपर पड़ेगा दुनिया का बहुत सारे आचार्य जो है बड़ा नाटकबाजी करते हैं बोलते हैं महाराज हमारा निशिंग पूजा का क्या जरूरी है हम तो रूपाने रूपानु को भक्त है रागानु का भक्त है क्या क्या प्रभुपात रागानु का भक्त नहीं था क्या आप रागानु का भक्त है प्रभुपात रागानु का भक्त नहीं है क्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपात जी का अकल नहीं है क्या उन्होंने ये ये जो जोगपीठ से मंदिर में लक्ष्मी निशिंग देव का प्रतिष्ठा किए क्या उसका अकल नहीं है क्या बुद्धि नहीं है क्या आपका बुद्धि है पोपा जी ने हर रोज पोपा जी ने हर रोज निशिंग पल्ली से निशिंग भगवान को देखा जोग पीठ मंदिर में आया करते थे हर रोज निशिंग पल्ली से निशिंग देव जोगपीठ मंदिर में आकर गौरंग मापू का दर्शन और उसका परमाणु भोग लेते थे तो प्रोपा जी ने विचार बताया रोज प्रभु उतना दूर से आता है चलो हम इधर प्रतिष्ठा कर देते रोज निशिंग बलि से निशिंग भगवान आके गौरंग महाप्र का जोगपीट में आके गौरंग महाप्र का दर्शन करते इसीलिए प्रोपा जी ने विचार बताया देव गौरांगो एक ही है ठीक है लेकिन एक गौर धाम में ये जो निशिंगदेव है ये गौर निशिंग है हमारा विशेष विशेष विचार है बड़ा कृपा दूसरे जगह का देव है ये निशिंग पल्ली में जाकर थोड़ा परिक्रमा करो माला चढ़ाओ प्रार्थना करके निष्कपट भाव से निष्कपट भाव से प्रार्थना करके आओ आप देखोगे कितना जल्दी निशिंगो देव भगवान कृपा कर दे आपका ऊपर कितना जल्दी निशिंगो देव कृपा कर दे तो फोपा जी ने लक्ष्मी निशिंगदेव का प्रतिष्ठा किया जोगपीठ से मंदिर में इसी विचार लेकर और रोज हर हर रोज निशिंगदेव का परमाणु भोग लगता है रोज रोजाना स्पेशल परमाणु भोग जोगपीठ मंदिर में लगता है पौपा जी ने यह विचार बताया गुरुपाद सारा हमारा हमारा सारे गुरुवर्गो ने ये विचार बताया जे गौड़ी भजन में निशिंगदेव का पूजन का ये माने हैं निशिंगदेव का पूजन के द्वारा हमारा जितना, जितना सारे मुसीबतें हैं जितना सारे समस्याएं हैं भगन भजन का रुकावट है जितना सारे भजन का रुकावट है वो सारे निशिंगदेव का कृपा के द्वारा सारे हट जाए और नहीं तो पल पल में जितना सारे मुसीबतें आते रहते हैं जीवों का हिम्मत नहीं है ये मुसीबतों का सामना करे और डट के रहे मुसीबतों का सामना करे और डट के रहे वो हरि भजन करते चले क्योंकि हर व्यक्ति कुंती देवी नहीं है हर व्यक्ति युधिष्ठिर महाराज नहीं है हर व्यक्ति का बस का काम नहीं है हर व्यक्ति प्रहलाद महाराज नहीं है गीता में एक श्लोक आता है किसी को उद्वेग देना किसी के किसी से उद्वेग प्राप्त करना दोनों ही माना है गीता में एक है श्लोक है जिसमें बताया गया किसी को उद्वेग देना और किसी से उद्वेग प्राप्त करना दोनों ही माना है सख्त माना है जो भजन करे वो किसी से किसी को उद्वेग नहीं देगा और किसी से उद्वेग नहीं प्राप्त करेगा ये नियम नहीं है प्रहलाद महाराज जी का जिंदगी में देखा हिरण्य जी हिरण्य ने कितना तकलीफ दिया प्रहलाद महाराज जी का जिंदगी में प्रहलाद महाराज जी का जिंदगी में विचार करके देखो कितना सारे कितना सारे अत्याचार किया कितना सारे अत्याचार किया निशिंग कितना सारे अत्याचार किया हिरण्य ने कितना सारे अत्याचार किया हिरण्य ने लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज जी डाट के रहे यहाँ तक कि हिरण्य का विरुद्ध में कोई विद्वेश भाव भी पोषण नहीं किया भक्तों का ये विचार है इफ सम्बॉी गोइंग टू एक्सप्रेस सम एनिमिथ्यू विथ मी आई कै नॉट सो भक्तों समाज का ये विचार है किसी ने मेरा साथ दुश्मनी किया भक्तों समाज का ये विचार है किसी ने मेरा साथ दुश्मनी किया मैं इसी का साथ दुश्मनी नहीं कर सकता ये नियम नहीं है भगवत भक्ति का ये प्रिलिमिनरी चीज़ है टू फील भगवान इज देयर एवरीवेयर भगवत भजन ये भगवत धर्मों का सबसे बड़ा बेसिक चीज है ये भगवत धर्मों का सबसे बड़ा बेसिक चीज है कोई नहीं बताता सब उल्टा गाइड कर रहा है सब उल्टा मिसगाइड कर रहा है ये गौरीय भजन का भगवत धर्मों का सबसे बड़ा सिक्रेसी है गुप्त रहस्य है तमाम चीज़ों में सब वस्तु में भगवान को अनुभव करना जसमान जस्मिन भूतानि आत्मैव अभुत बीजानित उपनिषद का एक श्लोक आता है जस्मीन सर्वानी भूतानि आत्मैव अभुत बीजानित इफ यू कैन लुक एवरीबॉडी लाइक यू इफ यू कैन सी एवरीबॉडी लाइक यू देन योर दर्शन इज ओके वैकुंठ दर्शन टू लर्न इट फास्ट जिंदगी में टू स्टार्ट भजन हरि भजन यू हैव टू लर्न दिस पॉइंट फास्ट नाउ योर दर्शन इज कॉन्टेमिनेटेड बाय माया माया दर्शन वैकुंठ दर्शन मीन ऑल पॉजिटिव प्रहलाद महाराज लुकिंग एवरीथिंग पॉजिटिव प्रहलाद महाराज के जिंदगी में कोई नेगेटिव वस्तु नहीं है प्रहलाद महाराज के जिंदगी में कोई नेगेटिव वस्तु नहीं, नहीं सब पॉजिटिव है प्रहलाद महाराज का बारे में लिखा हुआ प्रहलाद महाराज किस किसी को दुश्मन नहीं समझते हैं हमारा जिंदगी में भजन में प्रिलिमिनरी ये चीज भी नहीं है जसमिन सर्वानी भूतानी आत्म अभूत बीजानी तो तत्व कौश कौशो को को मोहो एकोत्तम अनुपश्यतः इफ यू कैन सी वर्ल्ड होल वर्ल्ड इन साइड यू एंड एवरीवेयर इफ यू कैन सी योर लाइक सुखदेव गोस्वामी फॉलो वर्ड से सुखदेव गोस्वामी ऑन बिहाफ ऑफ सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी का तरफ से तमाम एस्तावर जंगम उत्तर देना शुरू कर दिया हॉलो से ऑन बिहाफ ऑफ सुखदेव गोस्वामी ऑल ट्रीज एंड यू नो प्लांट्स यू नो एवरीबॉडी स्टार्टेड गिविंग रेस्पॉन्स टू बैजदेव गोस्वामी इतना प्रभाव है You see the power of Sukhdev Goswami. Sukhdev Goswami can feel himself everywhere. Whole world inside him. Whole world inside he can see the whole world inside him. At the same time, he can feel himself in each and every Vastu. All. That is why Isili, Jitna Sare, hills and mountains, trees and plants. स्टार्टेड गिविंग रिस्पॉन्स ऑन बिहाफ ऑफ सुखदेव गोस्वामी जब वैजदेव गोस्वामी क्वेश्चन किया ना जो पुत्रो माई कम बैक कम बैक आओ चले आओ वैजदेव गोस्वाई पीछे दौड़ रहा है वैजदेव गोस्वाई राइन रनिंग बिहाइंड अ बॉय स्मॉल बॉय सुखदेव हो माई बॉय कम बैक कम बैक सुखदेव गोस्वाई नॉट वॉचिंग हुई इज वॉचिंग हुई इज फादर हुई इज मदर इविंग आफ्टर टेकिंग बॉय जन्म लेने का बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा हुई इज माई माधर पीछे मुड़ के नहीं देखा फॉलो से इज नॉट लुकिंग माधर सी इज गोइंग टू गिव मी बर्ड है नॉट गोइंग टू सी इज फार रानी ऐसा करके सुखदेव गोस्वामी जो आगे चले तब वैसदेव गोस्वामी पीछे दौड़ और भागने लगे पीछे भागने लगे जंग रब यंग तो मनो पेत कृत्वम दैपायन विरह कातर आजु हाव पुत्रेत तनमय तया तर वो विनेदु तंग सर्वभूत हृदय मनिमान तस्मि सुखदेव गोस्वामी इज प्रेजेंट एवरीवेयर एवरीवेयर अनुभव पहले तो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सचति न कंखती समो सर्वेशु भूतेषु मद भक्ति लवते पर सुखदेव गोस्वामी इच्छा करके लीला करके दिखाया पहले अपना पहले दिखाया सुखदेव से ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा बाद में क्या हुआ सुखदेव गोस्वामी जी जी ने सुखदेव गोस्वामी जी ने भागवत में लिखा है परिणित ओपी नैर्गुण

भगवान का कथा भगवान का लीला भगवान का दर्शन करने के लिए पागल का माफी रहे, पागल का माफी रहे। तो ये सुखदेव गोस्वामी का जिंदगी में जो है देखो ये बेसिक चीज है और हमारा प्रहलाद महाराज जी का जिंदगी में यह है प्रहलाद महाराज किसी को किसी को अपना दुश्मन नहीं समझते हैं प्रहलाद महाराज किसी को अपना दुश्मन नहीं समझते हैं प्रहलाद महाराज हिरण्यगर शिबू जी इतना अत्याचार किया मेरा ऊपर जो इतना अत्याचार किया दैट मैन आई नेवर थिंक थिंग इज माई एनिमी आई नेवर थॉट इज माई एनिमी और टू डू हमने कभी नहीं सोचा कि वो दुश्मन है उसको मारो उसको पीटो मैंने कभी नहीं सोचा इसलिए भगवान बचा दिया क्या करे प्रहलाद महाराज जी का ऊपर इतना अत्याचार करने का बावजूद प्रहलाद महाराज जी ने हिरण्यकश्यबू को अपमान नहीं किया अपना तामिश से बात किया एक एक प्रश्न किया एक एक प्रश्न किया हिरण्यकशिबु ने तो प्रहलाद महाराज पूरा तमिज पूरा तमिज का साथ उत्तर दिया विथ फुल रेस्पेक्ट उत्तर दिया हिरण्य कशिबु को सम्मान किया आ, आगे चलकर ये भगवान का जो भक्त है प्रहलाद महाराज का क्या प्रभाव है क्या शिक्षा है प्रहलाद महाराज का शिक्षा बेसिकली अगर हम ग्रहण हम ग्रहण ना करें प्रहलाद महाराज जी का शिक्षा प्रहलाद महाराज जी का जो शिक्षा है ये अगर हमारा जिंदगी में हम ग्रहण ना करें तो मेरा गौरीय भजन होना संभव नहीं है अगर प्रहलाद महाराज जी का विचार हमारा जिंदगी में ग्रहण ना करे तो हमारा लिए गौरीय भजन करना संभव नहीं है प्रहलाद महाराज का विचार बेसिकली विदाउट कंप्लीटिंग विदाउट कंप्लीटिंग डिग्री कोर्स without completing master degree course who can start research who can allow me first of all you will have to complete your degree course after that master degree you will have to stand you will, you will have to show your performance yeah, it, show high performance after that there will be competitive examination selection Out of that, if you can stand, then then scientist can select you under whose guidance you can do research. Not a matter of joke. जॉब कोई मजाक नहीं है अपना मन माने जो कि इच्छा हुआ कर दिया इसीलिए प्रहलाद महाराज जी का विचार जगत को सुनाने के लिए प्रहलाद महाराज जी का विचार जगत में स्थापन करने के लिए इच्छा करके गौरंग महाप्रभु इच्छा करके गौरंग महाप्रभु जी ने पंडित बार बार प्र, प्र, तो गदाधर, प, गदाधर पंडित को बार बार बताए हमको थोड़ा प्रहलाद चरित्र सुनाओ गदाधर पंडित को बार बार महाप्रभु बताते थे गदाधर मेरे को प्रहलाद चरित्र तो सुनाओ थोड़ा ध्रुव चरित्र तो सुनाओ क्यों ये बद्ध बद्धजीवों को ये सारे बद्धजीवों को सिखाने के लिए तमाम बद्ध जीवों को सिखाने के लिए गोरंग महाप्र ने ये नाटक किया तमाम दुनिया को सिखाने के लिए महाप्रभु जी ने नाटक किया इच्छा करके मैं प्रहलाद चरित्र सुनाओ मेरे को प्रभु वो तो आपको सुनाया था दो दिन फिर सुनाओ फिर सुनना चाहता हूँ इच्छा करके हमारा शिक्षा के लिए ताकि मैं जाम्प करके रूपानुग भजन में पहुँचना पहुंचने का कोशिश ना करें हम जाम लेके जाम करके एक छलंग लगाकर रूपानुग भजन में पहुंचने का जो कोशिश कर रहा है ये इसका नाम है सहजिया प्रचेष्टा इसका नाम है सहजिया भजन विदाउट रियलाइजिंग विदाउट रियलाइजिंग द ग्रेविटी ऑफ भजन बेसिकली प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज विदाउट रियलाइजिंग प्रिय व्रत विदाउट रियालाइजिंग अंजाम। विदाउट रियालाइजिंग जो समझ की बाहर है ये व्रत हो क्या आचरण किया प्रहलाद महाराज धुबो महाराज जुधिशीर महाराज तमाम ये जो किया है समझाने के लिए इच्छा करके श्री श्री गौरंगम महाप्रभु जी ने इच्छा करके हम लोगों को शिक्षा देने के लिए यह बताया ये प्रहलाद चरित्र तो सुनो प्रहलाद चरित्र तो सुनने का बाद प्रहलाद महाराज जी का जो आचरण है अगर हमारा जिंदगी में हम हम अगर हम अपना जिंदगी में आग अग, अगर इन अप्लाइड फॉर्म इफ आई एम सक्सेसफुल टू अप्लाई ऑल द टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज इन माय लाइफ प्रैक्टिकली देन आई कैन गो एट प्रहलाद महाराज जी का शिक्षा हमने ग्रोहण किया नहीं प्रहलाद महाराज जी का शिक्षा हमने समझा नहीं सोचा नहीं हम कैसे आगे चले क्योंकि दादश महाजनों का अंदर में प्रहलाद महाराज जी का नाम तो आता ही है और एक बात मैं विशेष करके बताना चाहूँ विशेष करके मैं एक बात बताना चाहूँ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि नवविदा भक्ति में जो शवन कीर्तन स्मरण बाकी छोड़ दो पहले का जो तीन फास्ट फ्री शवन कीर्तन स्मरण ये जो पहला तीन है बाकी तमाम भक्ति इंटर रिलेटेड लेकिन विशेष करके श्रवणम कीर्तनम स्मरणम ये और श्रवणम कीर्तनम स्मरणम ये जो तीन है विशेष करके इतना गहरा इसमें विचार है जो ऑ इंटर रिलेटेड सो डीपली रिलेटेड ऑल अदर डिवोशनल मोड्स 64 फोर डिफरेंट डिवोशनल मोड्स ऑल रिलेटेड आई नो एंड स्पेशली नाइन फोल्ड्स ऑफ भक्ति आउट ऑफ दैट स्पेशली फाइव फोल्ड्स ऑफ भक्ति शोन बाय गौर महाप्र विशेष करके पांच किस्म का भक्ति पांच किस्म का भक्ति आउट ऑफ नाइन डिबोट नाइन फोल्ड सब भक्ति महापू जी ने बताया इफ यू कैन मेक ए लिंक विथ एनी ऑफ सच डिवोशनल प्रैक्टिस यू कैन कम आउट सक्सेसफुल लिखा है चैतन्य चरत्या तो में एकांगो साधे किंबा साधे अंगो, निष्ठा हुई तो उपजाए प्रेमे तरंग एक अंगो इफ वन मोड ऑफ भजन आउट ऑफ नाइन फोर्स ऑफ भक्ति नौविदा भक्ति का अंदर में नौविदा भक्ति आउट ऑफ नौविदा भक्ति एक अंगो ओनली एक अंगो इफ आई कैन डू परफेक्टली देन माई सिद्धि इनएविटेबल अगर एक अंग नौविदा भक्ति का एक अंग साधन अगर नविदा भक्ति का एक अंग साधन करके मैंने दिखाया एगर, अगर अगर दिखायादा भक्ति का एक अंग ओनली वन पार्ट वन फोल्ड भक्ति अपना जिंदगी में पालन करके दिखाया तो सिद्धि विद इन माई ग्रीफ सिद्धि मेरा हाथ में है हथेली में है अगर सक्सेसफुल हुआ इसका बारे में अंग्रेजी कथा में हमने प्रमाण दिया दे सुखदेव गोस्वामी जी प्रवचन में परीक्षित महाराज में श्रोवण भक्ति का आचार्य जो है परीक्षित महाराज श्रोवण भक्ति का आचार्य जो है सुखदेव गोस्वामी ये जो सुखदेव गोस्वामी ये जो कीर्तन कीर्तन आख्या भक्ति का कीर्तन आख्या भक्ति एक गोद्रुमदीप কীর্তনাখা ভক্তি গোদ্রুম দ্বীপ ইজ সিম্বল গোদ্রুম দ্বীপ ইজ এ পারটিলার স্পেশাল দ্বীপ ইজ কীর্তনা কীর্তন দ্যাটস ঠাকুর রাইটিং ইন কীর্তন গুরুদেব বর করি গৌর বন ভাঝে গৌর বনো মাঝে দিয়াচো স্থান আগা দিলাম এই ব্রেজ হরিনাম হরিম কর গান ভক্তমিন অর্ডার भक्ति की तनाक्का भक्ति सो ऐसे अगर विचार किया जाए तो सुखदेव गोस्वामी की तना भक्ति का आचार्य है परीक्षित महाराज जी परीक्षित महाराज जी श्रवण आक्षा भक्ति का शोभनांग भक्ति का आचार्य जो है शीला प्रहलाद महाराज जी स्मरण स्मरण अखा सबसे वाइटल पॉइंट है वी आर डूइंग सो मेनी नाम सो मेनी कीर्तन बट देर इज नो लिंक विद भगवान देर इज नो लिंक इफ यू हैव नो लिंक विद भगवान नो स्मृति वट यू आर डूइंग अगर भगवान का साथ कोई लिंक नहीं बैठता है कोई स्मृति नहीं है कोई स्थिति नहीं है अब नो लिंक विद भगवान तो कैसा भजन है तो भजन बेकार है दुनिया भर का आदमी ऐसा भजन कर रहे हैं नो लिंक विद भगवान तो सवनम कीर्तनम स्मरणम तीनों वाइटल जो भक्ति अंग है ये तीनों इतना गहरा विचार है जो अगर अगर आपको बोलूँ इफ आई आक्स यू डू सम कीर्तन और भगवान यू से महाराज यू कैनॉट डू यू कैन डू इफ यू आर गोइंग टू हियर इफ एट ऑल यू आर नॉट हियरिंग यदि अगर मैं अपना गुरु वर्गो का पास हरिकाथ हरिकथा नहीं सुना होता तो कैसे हम कीर्तन करता हाव हाउ आई कूड डू कीर्तन फॉलो आर एस है

अगर हमारा गुरु परंपरा गुरु वर्गों का हरिकथा कीर्तन में मेरा कोई अटेंशन नहीं है तो हम कीर्तन कैसे कर लेंगे तो हम कीर्तन कैसे कर लेंगे पहले तो श्रवण होगा श्रवण का बाद कीर्तन फॉलो वाले से फर्स्ट श्रवण, देन आफ्टर दैट द क्वेश्चन ऑफ कीर्तन इफ यू टेक सो मच रिच फूड सो मच हैं

एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट एक विशेष विचार है अगर शवन और कीर्तन दोनों हुआ इसका साथ स्मरण जरूर होगा इसीलिए दैट इज वाई पोपा टोल्ड इसीलिए पोपा जी ने विचार बताया कीर्तन इज द टॉप मोस्ट मेडिटेशन कीर्तन इज द टॉप मोस्ट अर्चन कीर्तन ज द टॉप मोस्ट इन वीथिंग हरिकीर्तन टॉप मोस्ट हरिकर्तन ऑल अश्व राष्ट्र गोइंगू कैन नॉट सी यू आर ब्लाइंड हरिकथा मीन हरिकथा चल रहा है हरिकथा चल रही है हरिकथा चल रही है मतलब यहां सारे यज्ञ हो रहा है तमाम योग्य हो रहा है तमाम मेडिटेशन मेडिटेशन हो रहा है यज्ञ तपस्या यज्ञ तपस्या सारे हो रहा है हरिकेतन मतलब कंप्लीट पोपा जी ने बताया आई एम स्पीकिंग हरि कथा आई हैव नो लिंक विथ प्रहलाद महाराज निशिंगोदेव हाउ पॉसिबल नॉट पॉसिबल आई कैन ब्रेक माई लिंक इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल आउट ऑफ मेमोरी यू कैन स्पीक समथिंग

और किसी राइटिंग का किसी राइटिंग का सोच रहा है आई विल हैव टू गिव आंसर फिटिंग आंसर टू दैट मैन हाउ टू गिव इज टेकिंग प्रिपरेशन इन साइड हार्ट दिस वे आई कैन राइट ऐसे शवन कीर्तन और स्मरण बहुत वाइटल पॉइंट है तो प्रहलाद महाराज जी का जो स्मरण है प्रहलाद महाराज जी का जो स्मरण है स्मरण की प्रभाव के द्वारा इन्फ्लुएंस ऑफ प्रहलाद महाराज वील हैव टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रहलाद महाराज बिकॉज इज थिंकिंग अबाउट भगवान ऑल द टाइम वेन एवर गोइंग टू थ्रो हिम फ्रॉम द हिल टॉप इन द इन टू सी आर ऑल्सो कंटिन्यूअस मेमोरी नो ब्रेकेज No breakage of linkage. You know, no breakage. Linkage is always there. That is called secrecy of bhajan. Linkage. Always linkage there. They don't, pure devotees, they never begin linkage. Continuous linkage. Linkage there. Linkage means smaran. You can try yourself in your life. If all the time you are thinking about Bhagavan, somebody tried to kill you, somebody tried to put you in trouble, who no, can do it. फॉर सम फॉर सम फॉर सम टाइम कैन लाइक प्रहलाद ट्राई टू थ्रो ही मिन फायर ट्राई टू गिव समय अभी पॉयजन जहर दे रहा है आग में जलाने का कोशिश कर रहा है काटने का कोशिश कर रहा है तो कुछ कर नहीं पाया कुछ कर नहीं पाया किस लिए क्योंकि प्रहलाद महाराज कोई रक्त मांसों का शरीर नहीं है हिरण्यकशिबू का सबसे बड़ा गलती हिरण्य का सबसे बड़ा गलती ये है उन्होंने समझ नहीं पाया कि प्रहलाद महाराज हो सके कि पाँच साल का उम्र का बच्चा है लेकिन ये गुरु है और प्रहलाद महाराज ये कोई रक्त मांस का बन बनाया हुआ शरीर नहीं है प्रहलाद महाराज नॉट इज ए मेटेरियल मेटेरियल बॉडी सो so दैट यू कैन काट प्रहलाद महाराज बीट प्रहलाद महाराज हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर द मुसलमान किंग वांटेड टू बीट हिम इन ट्वेंटी टू डिफरेंट मार्केट हैवीली वन बीटिंग यू कैन डाई वन बीटिंग, वन बीटिंग विद ए व्प वन बीटिंग यू कैन डाई बट लेकिन बाईस बाजार में हमारा प्रहलाद का अवतार प्रहलाद का अवतार ही हमारा द का अवतार है हमारा ये जो है हरिदास ठाकुर इन साइड हरिदास ठाकुर टू अवतार वन इज वन वन ऑफ देम प्रहलाद महाराज इज औसत टू अवतार एट ए टाइम लाइक बृंदावन दास ठाकुर महाशय टू यू कैन नॉट अंडरस्टैंड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड बृंदावनदास ठाकुर महाशय कामिंग

मथुरा में देवकी वसुदेव दैवकी एवं गोकुल में गोकुल में नंदो जशोदा लेकिन ये नंदोबाबा और वसुदेव जी टुगेदर अपियर इन जगन्नाथ मिश्र दोनों में मिलकर नंदो बाबा और वसुदेव जी दोनों मिलकर एक साथ हमारा जगन्नाथ मिश्र का अंदर सोची हाँ माँ सोची माँ का अंदर यशोमती माँ एंड वसुदेव एंड देवुकी दोनों बिंदावन दास ठाकुर का अंदर बैसदेव बैसदेव हिंसा एंड कुसुम पी साकार बोथ ऑफ देम टुगेदर वेरी सीक्रेट पॉइंट सो so, प्रहलाद महाराज को 22 बाजार में 22 डिफरेंट मार्केट्स में पीटा गया पीटा हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में कालना में कालना कालना महाकुमा में कालना में 22 बाजार में 22 डिफरेंट 22 डिफरेंट मार्केट्स 22 बाजार में उसको पीटा गया है हैवेली उसका बाद भी नहीं मरा उसका बाद भी मरा नहीं क्यों भगवत श्रृति क्योंकि भगवत श्रृति है अंदर में भगवत स्ति इसलिए मरा नहीं संभव नहीं मारना और नाम आचार्य ठाकुर लाइक प्रहलाद महाराज लाइक प्रहलाद महाराज बी ऑल एवरीथिंग विथ फुल पेशेंसी दे आर फुल पेशेंसी सिर्फ इतना ही नहीं इतना मारने का बाद, इतना पिटाई करने का बाद, वो कह रहे हैं ठाकुर जी ये मुसलमान लोग को कीपा कर दो मुस्लिम पीपल दे डोंट नो यू बेस्ट टू कीपा ऑन देम डोंट इज पेइंग यू गोइंग टू You going to ignore Pollad Maharaj? You going to ignore Pollad Maharaj? How much adversity you have? You want to ignore Pollad Maharaj? Eh? How much adversity you have? After so much operation, so much torture, इतना अत्याचार करने का बावजूद हमारा हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि प्रभु ये लोगों को बचा दो ये मुस्लिम पीपल उसमें ये अज्ञान है इग्नोरेंट अज्ञान है तुम बचा दो ठाकुर की पा कर दो इसको कैन यू डू इफ समी डू समथिंग यू कैन बिकम एंग्री नॉट पॉसिबल ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई इन योर ओन लाइफ अपना जीवन जिंदगी में महाजनों का जो शिक्षा है ट्राई टू अप्लाई थियोरिटिकली डोंट डू प्रैक्टिकली यू ट्राई टू डू थियोरेटिकली अगर करते चलोगे कुछ नहीं होने वाला नथिंग यू कैन गेट थियोरिटिकली यू कैन डू प्रैक्टिकली यू विल हैव टू अप्लाई इन योर लाइफ प्रैक्टिकली यू विल हैव टू लाइफ अप्लाई इन योर लाइफ सो इन गौरी द स्पेशलिटी ऑफ निशिंगदेव पूजा एंड द डिस्कशन ऑफ प्रहलाद महाराज इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट विदाउट बेसिक फाउंडेशन योर बिल्डिंग कैनॉट स्टैंड तुमने आपने एक बड़ा बिल्डिंग बनाना चाह आई लाइक टू मेक ए बिग बिल्डिंग बट आई एम नॉट गोइंग टू मेक एन ए फाउंडेशन योर बिल्डिंग कैन कोलैप्स टूडे और टुमोरो कैनॉट स्टैंड आज नहीं तो कल आपका इतना बड़ा इमारत खड़ा कर दिया जिसका कोई फाउंडेशन आपने नहीं रखा जिसका फाउंडेशन का बारे में आप सोचा ही नहीं जिसका फाउंडेशन आपने एक बड़ा मंजिल खड़ा कर दिया और आप सोचा नहीं इसका फाउंडेशन कितना है तो आपका बिल्डिंग कैसे खड़ा रहेगा वो तो कलप्स में रहेगा वो तो गिर जाएगा वो रहेगा नहीं इसीलिए गौरी वजन का सबसे बड़ा बेसिक चीज है प्रहलाद महाराज जी का ध्रुव महाराज जी का अम्बरीश महाराज जी का परीक्षित महाराज जी का सुखदेव गोस्वामी जी का ये सारे जो शिक्षाएं ये टीचिंग्स है हमारा जिंदगी में लेना जरूरी है भगवत धर्मों जाजन करने का बेसिक पॉइंट सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट ये है सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट ये है शुद्ध गुरु वैष्णव को सेवा किए बिना किसी भी हालत से आप भजन में आगे नहीं बढ़ सकोगे जो श्लोक देकर शुरुआत किया था नय बात मनो प्रभु रयम निज लाभ तुष्टो निशिंग भगवान इज अ बेगर। यू थिंक इज कमिंग टू टेक परमानेंट फ्रॉम गिव 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 यू आर हंगरी आई एम बेगा नॉट देयर इट इज इट इज द हाइनेस ऑफ निशिंगो देव कमिंग टू बेस सो कीप ऑन you are foolish you think this way this way all you know temple all society vacant why no vitals no vital vitamin there because they like to avoid and ignore pure guru vishnu so they are going to avoid them you can go and search no no vitamin no mineral devoid of vitamin and mineral you can go and search because they like to kick guru vishnu

लाइक माधव गोश्री महाराज रूपीजमेंट एनी सेवा संकल्प एनी प्योर डिबोटी मेकिंग एनी सेवा संकल्प डिटर्मिनेशन सर ऑटोमेटिकली भगवान थिंकिंग भगवान प्लानिंग हाउ टू सेंड होम टू सेंड हाउ टू अरेज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ भगवान माधव गोश्री महाराज पौपात का जन्म स्थान को उद्धार करने के लिए चेस्ट बा भगवान थिंकिंग हाउ टू सेंड मनी ऑल डाउन सो जो शुरुआत में जो श्लोक दे के शुरू किया प्रहलाद महाराज जी का कहना है निशिंगोदेव के सामने हे निशिंगोदेव हे प्रभु तुम्हारा कोई अपना कोई जरूरत है नहीं तुम्हारा कोई अपना कोई डिमांड नहीं है तुम्हारा अंदर में है देव, आपका अंदर में कोई डिमांड नहीं है कोई वस्तु प्राप्त करने का यू आर योर सेल्फ भगवान इट्स सेल्फ भगवान का अंदर में कोई डिफिशियंसी नहीं है यू कैन नॉट फाइंड एनी डिफेक्ट्स एंड डेफिशियंसी इनसाइड प्योर गुरु कृष्ण दे नोट कम्प्लीट मीन नोट डिससेटिस्फैक्शन बट स्टिल वी आर गोइंग टू सर्व सी द लोटस फिज अ भक्ति भोजपुरी की सीमा टू सर्व भक्ति रक सी वाई इट इज आवर फेवी लेज यू कैन डू कैन नॉट डू यू कैन नॉट सी गुरु वैश्वी कैन नॉट डू दैट्स अफ टू यू यू कैन यू नॉट दैट अफ टू यू हुई इज गोइंग टू हुई इज गोइंग टू पुट प्रेशर ऑन यू आप छोड़ो आप पूजा करो गुरु वैसे का ना करो आपका मामला है तो कोई जोर जबरस्ती थोड़ी है इसमें अब करो पूजा नहीं करो आपका विषय है तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं प्रभु आपका अंदर में कोई डिफिशियंसी नहीं है कोई डिमांड नहीं है आप आप स्वतः आप, आप स्वयं परिपूर्ण वस्तु है फिर भी आप जो भक्तों लोगों से लिया ले आ, ले, आ, ले, आ, ले आ क्या लाया है गोरंग ऑप स्पीकिंग वाट यू ब्रिंग गिव टू मी गोरंगा स्पीकिंग ना वैन गोरंगा मैनिफेस्टिंग अप्लाय वैन श्री कृष्ण टेक द फॉर्म ऑफ गिरीराज महाराज वॉट ऑल यू हैोर गिरिराज महाराज टेकिंग एनीथिंग मोर नो गिराज महाराज अस्किंग

प्रल्लाद महाराज जी कह रहे हैं कि निशिंगदेव आप जो आप परिपूर्ण है स्वयं परिपूर्ण है लेकिन फिर भी आप भक्तों लोगों से जो चीज लेते हो ला 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 क्या लाया है ये आपका हाइनेस है आपका कीपा महिमा है आप जिसको कीपा करना चाहते हो आप जिसका ऊपर कीपा करना चाहते हो उससे लेते हो ला ला क्या लाया है डे Our Bhaman are thinking how to print the book. I need some money. And one devotee all on a sudden coming with money in and it is a desire of Bhagavan. Arrangement of Bhagavad. Bhaman is doing Harinam and the devotee coming halfway and going away. Bhamma is going, hey, come, come. What do you bring? Bring.

भगवान का सेवा के लिए ये भगवान का सेवा है भगवान का सेवा के लिए भक्तों लोग लेते हैं और भगवान भी ऐसा ही है भगवान आल्सो टेकिंग फ्रॉम यू यू आर ऑफरिंग गर्डन फ्लावर सो मच थिंग बट भगवान गोइंग टू एक्सेप्ट व्हाई भगवान ग्रहण करना चाहता है क्यों आपका ऊपर कृपा करने के लिए One example long ago I give to you, you forget. What is the example? Suppose you are going to keep one mirror in front of you. Huh? You are making brass, you're looking in the mirror. Purlanma speaking like a man. As you show, you can see. As you show, you can see. इन हिंदी जैसे दिखा रहा है ऐसे देखोगे तो एक जैसे एक दर्पण जैसे एक दर्पण का सामने आप खड़ा हो जाओ जैसे एक दर्पण का सामने खड़ा हो जाओ तो दर्पण में जैसा आपका मूर्ति है वैसे दिखेगा का नया थोड़ी दिखेगा जैसा आपका मूर्ति है वैसे दिखेगा तो भगवान का सामने और प्योर गुरु वैष्णव का सामने अगर कोई आ जाए आपका हृदय का जो रिफ्लेक्शन है उसका हृदय में पड़ता है लुक एट यू कैन सी योर हार्ट कैन गेट रिफ्लेक्टेड इंटू इन्साइड द हार्ट ऑफ अ प्योर सब भगवान विशुद्ध भक्तों का हृदय में किसी भी व्यक्ति आए उसका हृदय में क्या है वो समझ जाता है और निशिंग भगवान को प्रहलाद महाराज कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कह रहे हैं प्रभु प्रभु ये आपका महिमा है आप जो बद्द जीवों से सब स्वीकार करते हो क्या लाया है क्या लाया है ला ये आपका कृपा है जज जज जनो भगवते विदधित मानम जैसा करके जैसा करके जैसा करके जिस भक्तों जैसे दिखाएगा ऐसा ही दिखेगा जैसा भाव जैसा भाव को दिखाएगा ऐसा भाव देखेगा तो प्रहलाद महाराज जी को कह रहे हैं कि प्रभु नई बात मनो प्रभु रिजलाभ तुष्ट तुष्टो नई बात मनो प्रभुर निजलाभ तुष्ट निजलाभ पूर्ण मानम जनाद अविदिशो देर इग्नोरेंट फूलिश भगवान दे डोंट अंडरस्टैंड योर स्वरूप दे डोंट अंडरस्टैंड ये लोग आपका स्वरूप जानता नहीं आप कौन हो कैसे हो ये ये लोग जानता नहीं ये लोग जानता नहीं अज्ञानी हैं ये लोग अज्ञानी हैं चलो ठीक है आपका कीपा है और ये संसार देखो कितना भयंकर संसार है प्रहलाद महाराज एक्सप्रेसिंग इज कंसर्न प्रहलाद महाराज एक्सप्रेसिंग इज डीप कंसर्न फ्रॉम आस वी आर फॉलिश वी आर फुलिश प्रहलाद महाराज जी ने हम लोगों के लिए कितना विचार बताया कितना टेंशन प्रहलाद महाराज अपना कोई टेंशन नहीं है हम लोगों के लिए चिंता ये भगवान ये अज्ञान अंधेरा में गिरा हुआ है ये सब इंसान है ये इंसान लोग कैसे संसार संसार में मजा ले रहा है ये संसार में मजा ले रहा है संसार का आदमी संसार का आदमी संसार का आदमी मजा ले रहा है संसार का आदमी मजा ले रहा है और देखो कितना डेंजरस है संसार कितना डेंजरस है संसार और चारों ओर से मुसीबतें हैं चारों ओर इतना मुश्किल इतना समस्या फिर भी आदमी वो अज्ञान में हैं, वो है वो लोग संसार कर रहे हैं प्रहलाद महाराज कह रहे हैं प्रभु आपका जो भयंकर रूप है ना हम विभेमिते अति भयानकशो जिउहार्क नेत्रभुकुटी रभुस अग्रदा खतजो शङ्कुकर्णात् शङ्कुकर्नाहाद अभिद भिन्न भिन्नखाग्रा त्रस्तोस्मी अहम् किपन वत्सलो दुःसहो गुरो संसार चक्र मा स्पिकङ्ग आई डोन्ट फियर आई फियर दिस मेटिरियल संसार ओ oh, सो so डेन्जरस फ्यामिली लाइफ Dangerous life they are leading, material people. I fear they are going to die. They don't understand. Mahārāj speaking, I don't fear your Nishinga Murti. For other people, Brahma Sankar all fear. But is speaking, I don't fear. I fear this material world. Full of problem. Full of countless problem. Mahārāj is speaking this way ignorant people they have material desire they have material desire inside life so with this material desire they are leading their life somebody is going to marry marriage is not bad you can do marriage but there should be some condition if you are not going to obey that condition your marriage is useless even more dangerous इवन मोर डेंजरस शादी करना कोई शादी करना कोई दोष नहीं है लेकिन शादी करने का बाद जो आपका जो इरेगुलर रेगुलेटेड व्यवहार नहीं है आपने को कंट्रोल में रखने का आपका हिम्मत नहीं है ये सबसे बड़ा मुसीबत है संसार करना कोई संसार करना कोई दोष नहीं है कर सकता है किसी का इच्छा हुआ प्रहलाद महाराज गिविंग लेसन टू इज ऑल बॉयज फ्रेंड्स अपना दोस्तों को अपना दोस्तों को कह रहे हैं प्रहलाद महाराज प्रल्हाद महाराज अपना दोस्तों को कह रहे हैं हो दोस्त ये जड़ जगत का जो सुख सुविधाएं हैं जड़ जगत का जितना सारे एन्जॉयमेंट है ये हर जन्म में हर जन्म में आते रहेगा आपका पहला संस्कार का अनुसार आपका पहला संस्कार का अनुसार वो आते रहेगा इसका लिए चिंता मत करो बेफिक्र रहो आपका जिंदगी में है, जो मेटेरियल एंजॉयमेंट आते रहेगा इसका लिए फिक्र मत करो बेफिक्र रहो ये बिना बुलाए आ जाएगा ये आते रहेगा प्रहलाद महाराज कह रहे हैं हे दोस्तों भजन करो सुखम इंद्रियकम दैत्या देहो योगे न देही नाम सर्वत्र जस्मा जथा दुक्षम अजत्नता विदाउट एनी केयर विदाउट एनी इन्वाइटेशन जिंदगी में मुसीबतें समस्याएं आ सकता है ऐसा मापिक आपका जिंदगी में जो लिखा हुआ है तकदीर में लिखा हुआ है वो आते रहेगा इसके लिए बेफिक्र रहो और गुरु वैष्णव का अनुगत्व में गुरु वैष्णव का अनुगत्व में भगवत चरण प्राप्ति करने का कोशिश करो क्योंकि गुरु वैष्णव का कीपा के अलावा विदाउट द कीपा ऑफ गुरु वैष्णव कीपा यू कैन नॉट गेट रियलाइजेशन पावर यू कैन मेमोरे यू कैन मेमोराइज सो मेनी बुक्स यू हैव मनी पावर यू कैन गो टू मार्केट एंड बाय उज्जवल नीलमोनी सो मेनी बुक्स यू कैन बाय यू यू हैव मनी कैन गो टू मार्केट बट वेर फ्रॉम यू कैन गेट रियलाइजेशन हु कैन गिव यू रियलाइजेशन अब बाजार में जाके सारे किताब खरीद के लाओ लेकिन कहां से आपको अनुभव मिलेगी अनुभव तो गुरु वैष्णव के सिवा जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज जी को पूछा ऐसा शिक्षा दिस काइंड ऑफ टीचिंग्स कहां से मिला वेयर फ्रॉम यू गेट कहां से मिला ऐसा शिक्षा ऐसा शिक्षा कहां से मिला बोल ये लोग दिया ये गुरु ये गुरु दिया प्रद प्रहलाद महाराज ने हासना शुरू करी भाई हा ये लोग कैसे देगा हाउ दे कैन गिव दे ऐसे जो भगवत धर्म का शिक्षा किसने दिया ये गुरु दिया शो अमर को <laughs> प्रसा विष्णु दूरा सयाज बहिर मान्य दे आर सेंस ऑर्गन एंड माइंड ऑल इज रनिंग आउट साइड नॉट लुकिंग इन साइड इन लोगों का जो इंद्रिया है लोगों का जो इंद्रिया है ये लोगों का जो मन है सेंस से है नई भाई को नई है ये लोग का जो सेंस ऑर्गन है मन है ये बाहरी दुनिया में रमन करने के लिए दौड़ता है बाहरी दुनिया में दौड़ रहा है ये लोग विष्णु का बारे में भगवान के बारे में जानकारी है ही नहीं दे डोंट नो हु इज विष्णु हु इज भगवान दे आर लेट्स इंटरेस्टेड शुक्राचार्य जो द नेम मीनिंग ऑफ शुक्र यू नो शुक्राचार्यो मीनिंग यू नो शुक्राचार्यो शुक्र आचार्यो शुक्रो आचार्यो यू नो आपको मालूम है इसका माने क्या है शुक्र मतलब शुक्र मतलब जनन आचार्यो Can give birth to a material boy and girl. Baby. Sukra acharya is a acharya. How to increase family affair, how to, how to increase affluence in the material world, is busy with that. is Sukra acharya. Sukra acharya. Jonon acharya. Jonon acharya. He can give birth to a material boy and girl that you can do. They is busy. Expert in it. Sukra acharya. ही कैनॉट गिव भगवत भक्ति भगवत भक्ति दे नहीं सकता ये तुमको उल्टा रस्ता में चलाएगा तो जब हिरण्य सिमु ने पूछा कहाँ से मिला कहाँ से मिला तेरे ये ज्ञान कहाँ से मिला बता ये लोग सिखाया प्रहलाद महाराज ने कहना सो कहना शुरू कर दिया नौते विदु स्वार्थ गतिम हे विष्णु दूरा सयाज बहिर्थमान्य अंधा यथंध रूपनीयम तेयपतंत मुर्धम निबंध एक अंधा दूसरा अंधा को चला नहीं सकता वन ब्लाइंड कैन नेवर बी गाइडेड बाई अलादर ब्लाइंड इफ एट ऑल देर कैन बी सम एक्सीडेंट अंधा यथंध रूपनीयम ते सिंध मुधाम निबंध नोतिम हि विष्णु दूरा सयाजे बहिरा अर्थ मान अंधा अथंधय निबाध्या तेय महाराज गोइंग टू प्रहलाद महाराज गोइंट प्रहलाद महाराज टीच अस हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं प्रहलाद महाराज पहले देखो जब तक एक महापुरुष का प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे हैं प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे हैं द तो महार कह रहे हैं जब तक एक विशुद्ध गुरु वैष्णव का कृपा धुलिकन माथे में ना आए चरण धुली जब तक विशुद्ध गुरु वैष्णव का चरण धुली हमारा माथा में ना आए तब तक बुद्धि शुद्धि नहीं होगी आई कैनॉट प्यूरिफाई माई ब्रेन विदाउट विदाउट गेटिंग द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ प्योर गुरु वैष्णव नैशातिस्ताव्रम नैशातिस्तावत उक्रमाघि स्पिशति अनर्थपगमो यदो महीयसा पदोरज पदोरजोषेक निशिंचना निष्किंचन जाप गुरु परमसु दैट डस्ट पार्टिकल इफ नॉट गोइंग टू टच योर हेड यू कैन नॉट प्यूरिफाई योर ब्रेन नॉट पॉसिबल प्रहला नाउ फाइनली हिरण बहुत सारे अत्याचार किया उसका बाद हिरण विचार कर रहा है मैंने इतना कोशिश किया प्रल्हाद को मारने के लिए लेकिन प्रहलाद मारा नहीं आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू किल प्रल्हाद प्रहलाद महाराज को मारने का बहुत सारे प्रयास प्रशस्त कर लिया लेकिन मारने मारना नहीं सका दैट क्रिएट्स अ वेरी एंगजाइटी इंसाइट हिरण्य खुशिबू प्रहलाद महाज को, को मार नहीं सका ऑल फेल्यूर तो हिरण्य खुशिबू का हृदय में एक टेंशन पैदा हुआ कि बच्चा मर नहीं क्यों रहा है वाई नॉट वाई आई कैनोट किल हिम मस्ट बी देर सम प्रॉब्लम मे बी आई एम गोइंग टू डाई ये बच्चा मर क्यों नहीं रहा है इतना प्रयास प्रचेष्टा का बावजूद ये बच्चा मर नहीं रहा है तो हो सके कि इसका पीछे कोई राज है ये बच्चा को लिंक देकर मेरा मौत आ सकता है हो सके जब हिरण्य सिबू का अंदर में इतना सारे टेंशन पैदा हुआ तब संडो अमर को बोले महाराज चाइल्ड एक्चुअली Their behavior, their speaking has got no meaning. I can speak this way? Shishunam No, guna dosa A small boy, can speak something, can do something. Why you are in tension? <laughs> to Guru, I mean Sando Amarko giving consolation to Maharaj, why you are tension? You are so great, king, holy. You know, world under your control, three world.

बहुत जल्दी समझ गया कि मेरा मौत आ रहा है मेरा मौत की घड़ी आ रहा है तो so, हिरण्य ने बाद में बच्चा को बुलाया किसकी भरोसा से किसकी बल भरोसा से तेरा अंदर में इतना हिम्मत है किसकी बल भरोसा से तेरा अंदर में इतना है? हाउ डाई यू हाउ डाई यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी वेर एज होल्ड वर्ल्ड कैन ऑ स्टैंड वट इज द पावर ज हुईज गिविंग पावर स्पीक हिरण्य कशिबू कह रहे हैं किसकी बल भरोसा पर तेरा अंदर में इतना हिम्मत है मेरा सामने खड़ा होने का हिम्मत किसी का नहीं है ना तो देवता ना तो किसी का हिम्मत नहीं है देवता ओशूर राक्षस देवता ओशूर राक्षस किसी का अंदर में इतना हिम्मत नहीं है कि मेरा सामने डांटे रहे तेरा अंदर में जो स्मार्टनेस तेरा अंदर में जो स्मार्टनेस है दे निश्चिंत नो ऐसा भाव है कैसे कौन तेरे को रक्षा कर रहा है बोले महाराज प्रहलाद महाराज उत्तर दे रहा है जिसके बल भरोसा पर आप बात कर रहे हैं जिसके बल भरोसा पर सूरज चंद्रमा सन गॉड गॉड और सीजनल फ्रूट्स एवरीथिंग कमिंग ऑल एवरीथिंग जिसके बल भरोसा पर दुनिया चल रहा है अनंत ब्रह्मांड इंफिनिट ब्रह्मांड जो चला रहा है उसी के बल भरोसा पर मैं आपका साथ बात कर रहा हूं चुप हो जा स्टॉप इट ज्यादा बकबस मत करो चुप हो जाओ बोल किसके भरोसा पर बोले ये भगवान जो आपका बल है जिसके बल भरोसा पर आपने पूरा जगत को काबू में लाया जिसके बल भरोसा पर राजा बना जिसके बल भरोसा पर आपका इतना वैभव है तमाम दुनिया आपका बस में है उसी भगवान का पावर से शक्ति से मैं भी बोल रहा हूं ऐसा करके जब प्रहलाद महाराज पोलाइटली विथ फोल्डेड है नॉट विथ एड्रसिटी विथ फोल्डेड विथ फोल्डेड है स्पीकिंग देन सिबू इसके बाद हिरण नगर ने बोला ठीक है चल तेरा भगवान कहाँ है तेरा रक्षा करने वाले कहाँ है बता बोले हर जगह है मेरा रक्षा करने वाले हर जगह है हर जगह है हर कोने कोने में है हर धुलकन में है ऑल डस्ट पार्टिकल एवरीवेयर ओमनी प्रेजेंट मेरा भगवान मेरा प्रभु हर जगह पे है क्या एक खम्बा में दिखता क्यों नहीं एक खम्मा में है क्यों दिखता नहीं एक खम्मा में भी है एक खम्मा में भी है तो खम्मा को एक जोर से मुक्का लगाया हिरण्य का प्रकोट हो गया हर हृदय में हिरण्य का प्रकोट जरूरी है टुडे इस चतुर्दशी वी प्रेयर एंड टू द लोटस फीट ऑफ नित्यानंद प्रभु दैट निशिंगदेव कैन अपियर इन साइड योर हार्ट टू क्लियर ऑल प्रॉब्लम आज अगर निशिंग चतुर्दशी का तिथि में देव का आविर्भाव मेरा हृदय में नहीं हो पाया तो जितना सारे गंदगी है जितना सारे काम वासना है जितना सारे कामना वासना है वो कैसे जाएगा वो जाने का तो कोई चांस नहीं है देव आविर्भाव होकर मेरा हृदय से तमाम कामना वासना को पूरा एकदम हटा दे उसके बाद भगवत भक्ति संभव है भगवान विष्णु भगवान कृष्णो कभी निशिंग रूप पकड़ कभी निशिंग रूप पकड़ कभी बामन रूप पकड़ कभी बराह रूप कभी ए कूर्म देवता का रूप पकड़कर रामचंद्र रामादिमूर्तिशु कला नियम तिष्ट है you know? भगवान कैन कम इन द फॉर्म ऑफ निशिंग देव टू बेस्ट कृपा स्पेशल कृपा भगवान निशिंग रूप आकार कर मेरा सामने आ सकता है हम लोगों का सामने विग्रह कभी बराह रूप धारण करके आ सकता है कभी कूर्म रूप धारण करके आ सकता है कवि केशवधीत है केशवधित वाट निशिंग रूप जय जगदीश हरे केश अवधीत राम स्वरूप जय जगदीश हरे भगवान श्री कृष्ण कैन काम भगवान श्री कृष्ण हमारा भक्तों समाज में निसिंग रूप में आविर्भाव होकर पूजा अर्चन का सूझक दिया है भगवान ने इच्छा करके ताकि निशिंग अवतार वैसे स्पेशल अवतार लेकिन ऐसा मत सोचो कि निशिंग अवतार बरा अवतार कर्म अवतार राम अवतार ये कर्म अवतार नॉट सो पावरफुल बड़ा अवतार लेस डोंट थिंक दैट वे कभी ऐसा मत सोचो ये अवतार अवतारे थोड़ा नीचा है अवतार इन नीचा है निशिंग अवतार थोड़ा ऊंचा है और राम अवतार थोड़ा ऊंचा है ऐसा मत समझो नेवर थिंक दैट वे बिकॉज दे ऑल आर विष्णु तत्व दीपारे व

डोंट थिंक इज लो हाई डोंट थिंक बट ऑफकोर्स जिबो गोसाई बात जिबो ग अपना संदर्भ में लिखा है जिबो गोसाई पाद जी ने लिखा है ये जो तरतम विचार ये दो थोड़ा हाई एंड लो विचार ऐसा विचार क्या है भगवान का लीला का लीला का भगवान का जो लीला है इसका ऊपर भगवान का लीला भगवान का लीला जो है इसका ऊपर डिपेंड जैसे रामलीला में बहुत सारे बहुत सारे कुछ किया निशिंगा अवतार में उतना नहीं किया बड़ा अवतार में उतना नहीं किया तो राम अवतार बड़ा अवतार निशिंग अवतार सब एक ही है लेकिन निशिंग अवतार परावरस्त अवतार राम अवतार निशिंग अवतार थोड़ा बिकॉज अकॉर्डिंग टू देर लीला राम अवतार वर अवतार वरावतार ये जो है ये, ये सब डिप ये सब कैसे वो जैसा लीला करे भगवान ये जगत में आके जो लीला करे लीला का मुताबिक अकॉर्डिंग टू लीला इज गोइंग टू ब्रिंग इज शक्ति हुई हिम

राम अवतार में सीता देवी का आना जरूरी है गौरांग अवतार में विष्णु बिया लक्ष्मी लक्ष्मी बिया देवी का जरूरी है कृष्ण अवतार में रुक्किी शोभ भैमा आना जरूरी है लेकिन नंदन नंदन राधा रानी जरूरी सो so, कैसे कैसे लीला होगा कैसा लीला है ये लीला के ऊपर ये लीला का ऊपर डिपेंड करता है कैसे लीला करे भगवान ये लीला के ऊपर भगवान का वो जो थोड़ा वो स्पेशलिटी है ये डिपेंड करता है आज ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए यहाँ ही कथा का विश्राम देना जरूरी है फिर भी मैं इतना कहना चाहूँ कि निशुंगदेव जब हिरण्य शिव को ख़त्म कर दी कीपा कर दी इसके बाद प्रहलाद महाराज जी को बोला तो तुमने थोड़ा कि हमसे थोड़ा बर ले लो निशिंग भगवान जी ने बताया प्रहलाद महाराज को तुम तुम थोड़ा केपक कृपा ले लो प्रहलाद महाराज बोले कृपा का जरूरी है नहीं क्यों आपका दर्शन मेरा लिए कृपा है आपका दर्शन ही मेरा लिए कृपा है दूसरा कृपा का क्या जरूरी है फिर भी ले लो कृपा फिर भी ले लो किफा बार बार जब निसिंगदेव कह रहे हैं इन ऑनर ऑफ निशिंगुदेव का ऑनर में बोला मैं ठीक है आप एक किफा कर दो ऐसा कृपा करो कि मेरा हृदय में कभी भी मेरा हृदय में कभी भी कामना वासना का उदय न हो मेरा हृदय में कामना वासना कोई का उदय ना हो एकदम से खत्म कर दो कमानम हृदय संग्रह भवतस्तु विनय भरम ऐसा कृपा मांगता हूँ ठाकुर जी मेरा हृदय में कामना वासना का समाप्त तो हो जाए ऐसा कृपा करो ऐसा करके बताया क्योंकि बद्धजीवों के लिए देखे बहुत डेंजरस बद्धजीवों का सारे इंद्रिया जो हैं एक एक जगह खींच रहा है योर गोइंग टू पुल दैट वे योर ईयर टू पुल दैट वे हैं हर जगह अपना अपना इंद्रिय जो है खींच रहा है पुल खींच के ले जा रहा है हर जगह प्रोलाद महाज कह रहे हैं प्रहलाद कह रहे हैं मेरा तमाम इंद्रिया एक एक जगह खींच रहा है आंखों का आंखों का खिंचावट है रूप रुप्र, रूप रस लेने के लिए कानों का खिंचावट है सुनने के लिए जीव है कतो अच्युत विकर्षति सती माँ विदिपता सुष्ण अन्नतः उदरम श्रवणम दिशे प्रलाद मा स्पीकिंग ऑल माय सेंस सेंसन वन वन डायरेक्शन पुलिंग मी पुलिंग मी पुलिंग मी आई कैन नॉट लिव आई कैन डाई हम मरने जा रहे हैं निशिंग देव हम मरने जा रहे हैं चारों ओर से खिंचावट है मेरा आंखें इधर खिंच रहा है मेरे कानों इधर खिंच रहा है मेरा यू you नो know, चारों ओर से मेरा जीवा खिंच रहा है चारों ओर से खिंच रहा है मैं जिए कैसे हे निशिंग भगवान बचाओ मेरे को बचा लो ऐसा करके आज का दिन जो विशेष है प्रहलाद महाराज का प्रहलाद महाराज जी का अनुगत्व में हम लोग आज गौरीगण गौरी भक्त बिंदो नृसिंहदेव का पूजा करके आरती करके विशेष रूप से कीपा प्राप्त करने की कोशिश में आज का तिथि पालन कर रहा हूं आज का तिथि पालन करने से हरि भक्त बिलास में सनातन गोसाई लिखा है कि निशिंग चौधरी पालन करने से बड़ा पावर आ जाएगा बड़ा कीफा आ जाएगा भगवान गौर कमिंग इन द फॉर्म ऑन इज कृष्ण भगवान कमिंग इन द फॉर्म बट स्टिल हैज सम स्पेशलिटी बड़ाह देव का सम स्पेशलिटी आज बहरा बड़ाह अवतार का कोई स्पेशलिटी है निशिंग अवतार का ऑल अवतार हैज सम स्पेशलिटी तो वी कैनॉट इग्नोर दैम एनी वे ऑल डिफरेंट तिथि कैन कम इन ऑर लाइव यू कैन ग्लोरीफाई दो तिथि टू गेट पावर हमारा ज़िंदगी की पापाती करने के लिए कोशिश करेंगे ये और ज़्यादा नहीं कहते हुए यहाँ हिंदी कथा का विश्राम दे दे यहाँ ही हिंदी कथा का विश्राम दे दे नैवात्मनो प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनादविदुषो करुणो विनीते जज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखश्च यथा मुखस्य, मुखस्य। नैवात्मनो प्रभुरयं निजलाभपूर्णो માનમ માન જનાદિુષો કરુણો વિણીતે જનો ભગવતે વિદધીતમાન તચાત્મને પ્રતિમુખ જ મુખશ્રી વાંચકલ્પતુર્વશ્યે પાસિંદ પતિતા પાવન બો નમ